इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज इंडिया फर्स्ट के स्टूडियो में मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री दीपक जोशी जी मौजूद हैं। दीपक जी, सबसे पहले इंडिया फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, कौशल विकास की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम मिशन है, मध्य प्रदेश में उसकी क्या स्थिति है? जैसा कि आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम मिशन, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रहण करते ही प्रधान सेवक के नाते जो देश, जिसको कि सबसे युवा देश कहा जाता है, उससे जो सबसे बड़ी अपेक्षा की थी वो स्किल इंडिया की। स्किल इंडिया के साथ साथ डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, अगर इन तीनों बातों को पूरा करने वाला कोई एक विभाग प्रमुखता से अपनी भूमिका निभा सकता है तो वो मेरा विभाग है, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा युवा ताकत है, लेकिन युवा ताकत के साथ साथ इसको हुनरमंद बनाना, अगर हम इनको हुनरमंद बना दें, कौशल से जोड़ दें, तो निश्चित रूप से भारत फिर से उस स्थान को प्राप्त कर सकता है जिसके लिए भारत की पहचान थी। और प्रधानमंत्री जी के इन उद्देश्यों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मध्य प्रदेश सरकार ने भी कौशल विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम कहीं ना कहीं सुनिश्चित किए। सबसे पहले तो हमने देखा कि कौशल विकास सीधा सीधा ITI से जुड़ता है। हमारे यहाँ करीब 900 के आसपास ITI हैं, जिसमें 225 के आसपास हमारे सरकारी ITI हैं, 707 निजी क्षेत्र संचालित ITI। निजी क्षेत्र संचालित ITI की गुणवत्ता के बारे में अक्सर सवाल उठते थे कि कहीं ना कहीं इनको ठीक ढंग से संचालित नहीं किया जाता है। ऐसे दृष्टिकोण में मेरे मंत्री पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद मैंने पूरे विभाग को करीब 3-4 दिन का समय देकर मैं स्वयं भी कुछ जिलों में गया और हमने हमारे शासकीय ITI के साथ साथ निजी ITI का निरीक्षण किया। और निरीक्षण के बाद हमने एक टीम बनाई और टीम को, जिसमें हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी भी थे, हमारे विभाग के अधिकारी भी थे, मिलकर उन्होंने निजी ITI की चेकिंग की। और चेकिंग के बाद पहले तो करीब 69 ITI और बाद में टोटल 103 ITI को बंद करने का हमने केंद्र सरकार को लिखा है। चूँकि हम बंद नहीं कर सकते, इसलिए हमने केंद्र सरकार को लिखा। जब राजीव प्रताप रूडी जी अब इंदौर के कार्यक्रम में आए, तब उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को सराहना भी की। तो उन्होंने कहा मध्य प्रदेश सरकार पहली सरकार है जिसने गुणवत्ता की तरफ ध्यान उठाते हुए ITI का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद 103 ITI बंद करने का शासन को लिखा है, हम शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे। दूसरा, चूँकि ITI में जो बच्चा आता है वो 8वीं पास करके 10वीं पास करके आता है, कौशल से जुड़ना भी चाहता है, लेकिन कौशल से जुड़ने के बाद कितनी बार हमने विसंगतियाँ देखी कि हमारा 8वीं पास बच्चा 2 साल का हमारा कोर्स करता है, लेकिन उसकी जो मार्कशीट होती है वो 8वीं की होती है, डिप्लोमा को 10वीं का नहीं माना जाता। ऐसे 10वीं पास करने के बाद बहुत से कोर्स हैं जिनको 12वीं के समकक्ष माना जाना चाहिए, लेकिन 12वीं का नहीं माना जाता। अब सरकारी नौकरी में जब आवेदन मांगे जाते हैं तो उसमें 10वीं पास 12वीं पास की अनिवार्यता मांगी जाती है। हमारा नौजवान कहीं ना कहीं हुनर से जुड़ा है, लेकिन सिर्फ उस पर 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए वो इन चीज़ों में भाग लेने से वंचित हो जाता है। ऐसे दृष्टिकोण में हमने मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी थी और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग को, माध्यमिक शिक्षा मंडल को निर्देश दिया कि अब आने वाले सत्र में जो हमारे 8वीं पास बच्चे 2 साल का कोर्स करेंगे उन्हें 10वीं की मान्यता दी जाएगी, और जो 10वीं पास करके 2 साल का कोर्स करेंगे उन्हें 12वीं की मान्यता दी जाएगी। ये प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर हुआ है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले कल में ITI के प्रति नौजवानों का रुझान बढ़ेगा। इस साल हम ITI चलो अभियान भी चलाने वाले, वो इसलिए कि नौजवानों को ये लगना चाहिए कि हम अगर आए हैं तो किसी न किसी हुनर से अवश्य जुड़ जाएंगे, और जब हुनर से या कौशल से जुड़ जाएंगे तो हमें आगे जाने में या जॉब प्राप्त करने में या रोजगार प्राप्त करने में कोई कमी नहीं आएगी। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है, जिसमें उनका स्पष्ट कहना है कि मेरे प्रदेश का नौजवान रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने, इसके लिए मुख्यमंत्री जी की सारी योजनाओं को, चाहे उसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना या अन्य योजनाओं को भी, कैसे ITI के बच्चे सीधे रोजगार से जुड़कर काम कर सकते हैं, इसके लिए उद्यमी विकास एक सेल भी हमने अपने ITI के माध्यम से स्थापित किया, जिला लेवल पर स्थापित होगा। शीघ्र अतिशीघ्र बच्चों को ये जानकारी मिल जाएगी कि ITI करने के बाद हमें यदि अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होना है तो हमें संसाधन कहाँ से मिलेंगे, हमें मार्केटिंग कैसे मिलेगी, हमारे मार्केट को बाजार कैसे मिलेगा, ये सब बातों को तय करने के लिए हमने संस्थान बना दिया है। अतिशीघ्र संस्थान गतिमान होगा और आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को
पूरा भी करी। दीपक जी, आपने गति की बात करी, सबसे बड़ा मुद्दा गति का ही है। आप तमाम योजनाएं बनाते हैं लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वहाँ पर गति धीमी हो जाती है। ITI में अगर बात करें तो काफी पुरानी मशीन्स हैं, उसके जरिए किस तरह से नौजवान जो हैं वो मौजूदा दौर में तकनीक के साथ मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, जैसे आपने बताया कि पुरानी मशीन सही है, बिल्कुल सही है, स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ITI में कुछ पुराने ढर्रे भी चले आ रहे हैं। जैसे आज की आवश्यकता हमारी क्या है, इसके लिए हमने अभी संभाग स्तर पर वर्कशॉप करने का फैसला किया। भोपाल इंदौर में हमारा वर्कशॉप हो भी गया, जिसमें हमने उद्योग जगत से जुड़े व्यक्तियों को, ट्रेड जगत से, व्यापार जगत से जुड़े व्यक्तियों को, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से जहाँ कहने के रोजगार के लिए युवकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता थी, उनको बुलाया और बुला के पूछा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो रिक्वायरमेंट देते हैं, रिक्वायरमेंट के बाद हम वो कोर्स वहाँ संचालित करेंगे। जैसे अभी प्रारंभिक रिपोर्ट जो आई उसमें ये लगता है कि जैसे हमारा सिंगरौली थर्मल का हब है, तो हम थर्मल से जुड़ा हुआ कोई वहाँ पर कोर्स शुरू करें। हमारा रीवा सतना ले लें, मंसूनी मैच ले लें, ये सीमेंट से जुड़ा हुआ, सीमेंट का सेक्टर है, हम सीमेंट से जुड़ा कोई काम कर लें। हमारा बहुत से बड़ा बहुत बड़ा क्षेत्र माइनिंग से जुड़ा है, हम माइनिंग से जुड़ा हुआ कोई काम कर लें। या इसके अलावा जैसे हम पीतमपुर को, मंडीदीप को ले लें कि टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ, तो टेक्सटाइल का हब बांधते हुए टेक्सटाइल से जुड़े बच्चों को जोड़ने का, तो इसके लिए हम डिमांड ले रहे हैं। डिमांड लेकर इनके अधिकतम लेब को लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हम महाराष्ट्र सरकार का जो अभी हमारी केंद्र सरकार की माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी के उसमें अध्यक्षता में बैठक संपन्न थी, उसमें कुछ प्रदेश की सरकारों, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने बताया था कि वहाँ पर जो लेब बनाने के लिए उन्होंने उद्योगपतियों को ऑफर किया कि जैसे एक उद्योग है टेक्सटाइल का, उसको 20 बच्चे हर साल लगते हैं, तो टेक्सटाइल का जो लेब है वो अपने यूनिवर्सिटी में लगा ले, अगर इंडस्ट्री में जगह नहीं तो हमारे ITI में लगा लें, हम हर साल उनको 20 बच्चे ट्रेन करके देंगे। तो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चे देने का प्रयास करें, ना कि वो पुराने परंपरागत कोर्सेज जो सालों से चले आ रहे, चलते तो आ रहे लेकिन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं होना, तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कैसे ठीक करना। दूसरा, एक RPL जो कोर्स मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशन पर शुरू किया, रिकग्नाइजेशन ऑफ प्लानर लर्निंग, जिसमें हुनरमंद लोग जो हमारी यहाँ वर्ल्ड व्यवस्था में हुनरमंद है, कहीं ना कहीं सुतारी का काम जानते हैं, कहीं ना कहीं कुमारी का काम जानते हैं, लोहारी का काम जानते हैं, ज्ञान तो है उनको और अच्छा ज्ञान है, लेकिन जब किसी फैक्ट्री में रोजगार के लिए जाते हैं तो उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। तो उनको सर्टिफिकेट करने के लिए हमने ये योजना चलाई है। 3 माह का एक कोर्स होता है, इस कोर्स में हम ऐसे लोगों को अप्लाई करके बुलाते हैं, नौजवानों को, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद उनको अगर ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई तो दोबारा ट्रेनिंग देते हैं, उनको कुछ आने जाने का खर्चा भी मिलता है ताकि उनका काम भी प्रभावित ना हो, और ऐसे दृष्टिकोण में उनको जब सर्टिफिकेट रहेगा तो किसी भी फैक्ट्री में अगर उद्योग में काम करना चाहेंगे तो ये जो प्रमाण पत्र होगा उनके लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में सहायक होगा। बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने, लेकिन उसी मुद्दे पे वापस लौट रहे हैं, अगर हम स्किल्ड की बात करें तो आपके जो जितने भी जो ट्रेनर्स हैं उनकी स्किल भी कहीं काबिल गौर है, प्रश्न चिन्ह लगता है। ITI की बात करें तो विदिशा जो कि मुख्यमंत्री का खुद का क्षेत्र है, वहाँ के ITI के भी बुरे हाल हैं। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, उनको भी जिम्मेदार ठहरा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए? नहीं, जैसे आपने बताया हमें विदिशा ITI खुद किया था, वहाँ के अधिकारी जो है उनको हटाने का हमने फैसला भी किया, बहुत सी जगह हमने हटाए, भोपाल में भी हमने हटाए, बहुत सी जगह। आप इंडिया फर्स्ट के स्टूडियो में आप घोषणा कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं कि विदिशा में जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वहाँ के अधिकारियों को हटाया जाए? नहीं, वहाँ के पेंशन को हटाने का हमने निर्देश दे दिया, हट रहे हैं, बहुत जल्दी हट रहे हैं। ये निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर इंडिया फर्स्ट के जरिए आप एक बड़ी घोषणा यहाँ पे मंत्री जी ने की है, और एक नज़ीर यहाँ पर जरूर पेश करेगा कि किस तरह से अगर कोई भी मंत्री जी की योजना, विभाग की योजनाओं को अगर पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। निश्चित तौर पर दीपक जी, प्रशंसनीय आपका ये कदम। हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के छात्र भी आते हैं, काफ़ी संख्या में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुले हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं, लेकिन डिग्री का जो स्तर है वो इस कदर नीचे जा चुका है कि मध्य प्रदेश के कॉलेज की डिग्री को लेकर देश में कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। इससे शायद एक बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग के छात्रों की जो सीटें होना चाहिए वो लगभग दुगनी तिगनी हो गई, और दुगनी तिगनी होने के कारण कहीं ना कहीं जो निजी क्षेत्र के संचालनकर्ता आए, बड़ी संख्या में आए, मैं सबका तो नहीं कहता, लेकिन कुछ संचालकों ने वो गुणवत्ता नहीं मेंटेन करी जिसको को मेंटेन करना था, और वो मेंटेन नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं स्तर गिरा, और स्तर गिरने के कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें आई। अभी हमने निजी जो हमारे तकनीकी विद्यालय महाविद्यालय हैं उनके संचालकों से 2-3 बैठकें कर चुके हैं, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है इसके लिए काफ़ी गुंजाइश भी, और हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको सुधार का मौका देते हुए कैसे उनकी गुणवत्ता को सुधारा जाए, इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। एक जनरल परसेप्शन है आम लोगों का भी और सभी लोगों का कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस रहते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, सरकार ले दे के उनसे सौदा पटा लेती है, घुटने टेक देती है, फीस निर्धारण भी वो अपने हिसाब से करते हैं और पूरी तरह से जो है अपनी मनमानी करते हैं, तो
क्या सरकार का वास्तव में इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता या सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है? फीस निर्धारण तो वो नहीं करते, हमारे तो बाकायदा मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने फीस को निर्धारण के लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी मेडिकल का भी फीस का निर्धारण वही करती है और बड़े अच्छे से उस काम का संचालन होता है। और आज मध्य प्रदेश में सबसे कम फीस इंजीनियरिंग की है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन जो आपने बात कही गुणवत्ता की, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। गुणवत्ता की तरफ हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो एकमात्र विश्वविद्यालय है प्रदेश का, उसको उसकी विशालता बहुत ज़्यादा होगी। पहले उसके अंदर बहुत मुश्किल से इन चुने 10-12 कॉलेज थे, आज बहुत अधिक कॉलेज है, काम की अधिकता है, स्टाफ की कमी है। ऐसे दृष्टिकोण कर हमने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा है कि हम दो विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं, तो जबलपुर में, दूसरा उज्जैन में, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है इंजीनियरिंग कॉलेजों का कि तत्काल विश्वविद्यालय हम खोल सकते हैं। अगर ये हो गया तो काम का विकेंद्रीकरण होगा, गुणवत्ता कहने के सुधरेगी। दूसरा, RGVP को पूरा ऑनलाइन कर रहे हैं, एक क्लिक पे बच्चे को अब RGVP के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं तो रीवा का आदमी, शहडोल का बच्चा, नीमच का बच्चा अगर RGVP आएगा तो एक दिन तो आने के, एक दिन जाने के और एक दिन उसके और खर्च होगा, तो फिर काम नहीं होता तो ठीक नहीं लगता। तो ऐसे जैसे काम की व्यापकता और गति बढ़ाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ पारदर्शिता व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा फैसला जो RGVP के तहत हुआ है मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से, वो ये हुआ है कि पहला विश्वविद्यालय है तकनीकी का राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो हिंदी माध्यम से भी परीक्षा लेगा। और ये फैसला हमने इसलिए किया कि हमारे अधिकतम बच्चे गांव से आते, कहीं ना कहीं छोटे कस्बों से आते, उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं होती, जवाब वो दे सकते हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम में लिखने में उन्हें तकलीफ आती। अगर वो सही जवाब, तकनीकी शब्द अगर अंग्रेजी का भी है तो उसे भी लिखते हुए अगर सही जवाब हिंदी में लिखता है तो उसे वही नंबर मिलेंगे जो अंग्रेजी के उत्तर में आए हैं। अगर सही जवाब दिया, सिर्फ उसे ऑप्शन देना पड़ेगा कि उसे हिंदी मीडियम परीक्षा देना है कि इंग्लिश मीडियम। और ये सबसे बड़ा फैसला मध्य प्रदेश का छात्र के हित में लिया गया है। यदि छात्र के हित में एक कदम क्यों नहीं उठाया जाता है कि बड़ी भारी तादाद में डोनेशन लिए जाते हैं, ये बैकडोर डोनेशन लिए जाते हैं, इसका सामने को उल्लेख नहीं कहता और ये लाखों रुपए में ये भार जो है अभिभावकों पर पड़ता है। कहीं ना कहीं लगता है कि पूरी की पूरी जो शिक्षा जो है उसका व्यवसायीकरण हो गया और कहा जाए तो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, कैसे मुक्त हो गए? नहीं, डोनेशन मैंने कहा ना, इंजीनियरिंग में हमारे पास तो सीटें काफ़ी रिक्त हैं, इसलिए ये बातें बड़ी संख्या में नहीं आती, लेकिन जहाँ से भी आती है वहाँ से हमारी फीस जो नियंत्रण कमेटी है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास भी करती है, कुछ शिकायतों का निवारण भी हुआ है। और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि अब वर्तमान समय में ये व्यवस्था इंजीनियरिंग कॉलेज महाविद्यालय में देखने को नहीं मिलती, लेकिन तीन हमने इंजीनियरिंग महाविद्यालय जो निजी क्षेत्र के हैं उनसे जरूर आह्वान किया है कि वो अपने यहाँ तीन काम करें, क्योंकि जब अधिकारों कर्तव्य की बात आती है तो हम अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं लेकिन कर्तव्य के बारे में कोई नहीं कहता। हमने तीन निजी विद्यालय हमने आह्वान किया, अभी तो निर्देश हमने इसलिए नहीं लिया कि अभी हम देख रहे हैं कि आह्वान कैसा होता। एक तो हमने कहा कि जो भी छात्र आपके कैंपस में आएगा वह हेलमेट लगा के आए, दूसरा उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए क्योंकि अधिकार कर्तव्य की बात होती है। हमने ये कहा कि कुछ किताबें इतनी अच्छी है जो आपकी लाइब्रेरी में होना चाहिए, आप खुद दे करो। हमने लिस्टें दे दी उनको, हमने किसी को बात नहीं कहा कि आपको ये किताब खरीदना पड़ेगी, लेकिन आप कुछ किताबें अपनी लाइब्रेरी में रखो, 25-50 किताबें, जिसको बच्चा एक बार पढ़ेगा तो पढ़ते ही जाएगा। तो ये कहने के बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं लगातार, व्हाट्सएप और चैटिंग सेटिंग ये जो करते रहते हैं इनसे इनका मेंटल और डिप्रेशन बढ़ता है। तो ऐसी कुछ किताबें जो बच्चा अगर पढ़ेगा तो उसको पढ़ने के बाद वो डिप्रेशन से बाहर हो जाएगा। तीसरा, हमने कहा कि हमारे विद्यालय संख्या में सक्षम है महाविद्यालय, तो क्यों ना हर महाविद्यालय में एक ग्राउंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल का बने। जैसे एक कॉलेज में बास्केटबॉल की अगर ग्राउंड बन जाए, एक में हमारे बॉक्सिंग की रिंग लग जाए नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, ताकि और उस खिलाड़ी के उस विधा का वहाँ पर उन्हें स्पोर्ट टीचर भी रखना चाहिए या पार्ट टाइम किसी को अपॉइंट करें। हमारे यहाँ बहुत लोग हो गए अब देश में जिनको अपॉइंट करें जो समय समय बच्चों को टिप दें, अच्छे बॉक्सर बनाए, हमारे अच्छे बैडमिंटन के खिलाड़ी बनाए, अच्छे टेनिस के खिलाड़ी बनाए, जो कॉलेज कर सकता वो करने का प्रयास करें। मुझे ये कहते हुए बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि जो निजी विश्वविद्यालय जो निजी महाविद्यालयों के एसोसिएशन है उसने इसका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम इस पहल के रूप में इसको लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी, जब आपसे बात कर रहे हैं तो अपने जो स्किल डेवलपमेंट की बात करी, टेक्निकल एजुकेशन में काफ़ी सुधार की बात की, ये जो इनिशिएटिव आह्वान जो आपने काफ़ी बात की है, आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा सपना है जिसके लिए एक बड़ी आपको फोर्स की ज़रूरत है? इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे नहीं होने की अवस्था में पूरी चीज़ थियोरेटिकल हो जाएगी बस। नहीं, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं हद तक सफल होऊंगा इसमें, क्योंकि एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बिल्कुल साफ है, उनका स्पष्ट निर्देश है कि गुणवत्ता से हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए, गुणवत्ता सुधार के लिए अगर हमें कठोर से कठोर निर्णय करना है तो वो भी करें। हमने भी कठोर निर्णय इसलिए नहीं किए कि निजी जो महाविद्यालय हैं, निजी ITI के संचालक हैं, इन्होंने एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ा निवेश किया है। चूँकि निवेश किया है, निवेश के दृष्टिकोण से अगर वो गुणवत्ता को सुधार कर लेते हैं तो ठीक है,
थे, तो जैसा 103 ITI बंद करने का फैसला लिया, आने वाले समय में हम इंजीनियरिंग को भी बंद करने का फैसला लेंगे, एक बात। दूसरी बात, मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे यहाँ बच्चों को एक माहौल मिला मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है बहुत शांत प्रदेश है, हमारे यहाँ के बच्चे मेहनती हैं, तो ऐसे दृष्टिकोण में शांत प्रदेश अन्य क्षेत्रों में लगातार उन्नति करने वाला प्रदेश है, तो एक पढ़ाई का माहौल हमारे यहाँ पैदा करना चाहिए, जैसे कि जो व्यवस्था हो सकती है, जैसे IT का ज़माना है तो IT के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस बच्चों को तक पहुँचाएँ, नए नए लेसन उन तक लाने का प्रयास करें, हमारी जो फैकल्टीज़ की कमी थी उस फैकल्टीज़ को कमी को पूरा करें, अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ को हम बाहर से बुलाकर यहाँ पर जैसे विजिटिंग फैकल्टीज़ होती हैं उनको बुलाएं, तो ऐसा कुछ हम प्रयास कर रहे हैं। कोशिश ये है हमारी कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश का इंजीनियरिंग का परिदृश्य कम से कम बदला नजर आ रहा है। वैसे एक बात और मैं कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे वाकई में टैलेंटेड हैं। अभी इसरो ने जो 104 सेटेलाइट लॉन्च किए उसमें इंदौर के GSTI के हमारे बच्चों की एक टीम भी थी, और जब उन बच्चों से मैंने बात की तो उनका कहना था हमारे पास साधन सीमित थे, नहीं तो हम बड़े अच्छे से मुकाबला करते, तो अब साधन देने की ज़रूरत है, और साधन के लिए मैं ये कह सकता हूँ मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया का, वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस साल के बजट में यदि सबसे ज़्यादा किसी की बढ़ोतरी हुई तो तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में लगभग दुगने से ज़्यादा बजट की बढ़ोतरी हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमको मिला है, और ये इसीलिए दिया, शायद उन्होंने हम पे भरोसा किया है कि हम मध्य प्रदेश को तकनीक और कौशल के क्षेत्र में भी उतना ही चमकाए जैसे अन्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश चमक रहा है, और वो हमारा पूरा प्रयास होगा कि आने वाले साल में चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो या कौशल का क्षेत्र, मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं स्वर्णिम पहचान के साथ पहचाना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जोशी जी पॉलिटिक्स फर्स्ट के इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर काफ़ी योजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्रियान्वयन की सख्त ज़रूरत है, ज़रूरत सख्ती की भी है, क्योंकि अगर सख्ती नहीं होगी तो जितनी भी योजना है वो कागज़ों तक सीमित हो जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर मंत्री दीपक जोशी से बात करके ये भरोसा ज़रूर हो रहा है कि ये तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं, तमाम जो योजनाएं हैं, वो धरातल पर एक दिन ज़रूर नजर आएगी। फिलहाल मुझे यानी कि आशुतोष को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा, और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा, इंडिया फर्स्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि चैनल भी फर्स्ट रहे, और जब आप इंडिया फर्स्ट की बात कह रहे हो, आपने नाम इंडिया फर्स्ट रखा है, तो आपके चैनल से वो बातें पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए जिसमें वास्तव में इंडिया फर्स्ट है। मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं लीजिए। अच्छा है आपका ये इंडिया फर्स्ट, ये जो चैनल है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको, आशुतोष जी को, चैनल को, इनके सहयोगियों को, सबको बहुत शुभकामना मेरी ओर से।